नमस्कार व्यूअर्स, मैं पूजा कुल्लर सिमरन बुटीक पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी सूट्स की रिगार्डिंग वीडियोस तो आपको अपडेट्स मिलनी जरूरी ही है, लेकिन हमारी स्टिचिंग की वीडियोस और साथ में हमारे स्टिचिंग के टिप्स मिलना भी उतना ही जरूरी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकेंडली, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स देते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, उनका थैंक यू सो मच। आज की, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, आज की जो हमारी वीडियो है वो सारी स्टिचिंग आर्टिकल्स के ऊपर है, जो हमारे बुटीक रेडी पीसीज हैं या जो हमने सूट्स अपने बुटीक पे डिजाइन किए हुए हैं उन पे सारी हमारी वीडियो रहेगी। इसमें मैंने इस वीडियो को दो सेक्शंस में बांटा है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें मैंने कवर किया है केप्स को, जो वाइट डाइबल से भी बनी हुई है, अपने सूट्स के रिगार्डिंग जो सूट्स के डिजाइनिंग में केप्स बनी है वो वाली हो गई। फिर मैंने सेकंड सेक्शन है जो उसमें कवर किया है टॉप्स, जो हमारी ऑफिस वेयरिंग टॉप्स हैं, स्कर्ट्स और साथ में मिटीज। तो ये दो सेक्शंस में हमारी वीडियो ये बटी हुई है। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, गया एज यूजुअल आप देखते ही हो वैसे तो हम अपना स्टिचिंग के आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा वही हमारा रहेगा हमारे बुटीक रेडी, हमारा बुटीक पे पीस था, वो मैंने वीडियो में भी डिस्प्ले किए थे, काफी हॉट सेलिंग वो प्रोडक्ट रहा था। डेनिम्स में हमारे पास पीसेस आए थे, आपको याद होगा ये वाला, ये देखिए। तो इसको मैंने, इसमें बोट नेक्स बनाए हैं। मैंने तब बताया था कि ये एम्ब्रॉयडरी आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी जब आप नेक बनाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं। साथ में इसमें मैंने दी है एक फ्रिलिंग की स्लीव्स, उसमें मैंने साथ में लगाई है पॉम पॉम लेस। गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब भी आप कोई लेसेस अपने सूट्स पे लगवाते हो ना, तो उनको वॉश करना एक बार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रीजन बीइंग कई बार उनके शेड्स जो होते हैं, रेड है, मरून है, जो डार्क शेड्स है ना, चाहे वो आप डाइड भी मार्केट से लेंगे, तब भी उनके कई बार अगर वो ब्लीड हो जाते हैं ना, तो वो सारी आपकी सूट की गेटअप को खराब कर देते हैं। तो ये हमने इसकी बना दी है स्लीव्स, फ्रंट एंड बैक का हमने दिया है बोट नेक, साथ में इसके हमने लगाई है पॉम पॉम लेस लगा दी घेरे पे, देखिए वो भी हमने गुम लगाई हुई है सारी, और जो इसकी स्लिट्स पे निकाली है वो निकाली है हमने पाइपिंग। जो इसका प्लाजो था वो उसको हमने डिजाइन किया है कुछ ऐसे, ये देखिए, ये आपके पॉम, ये मैंने पोटली बटन्स दे दिए हैं टांग के साथ, ये आपके पोटली बटन साइड ऑफ द पैंट्स आपके आएंगे, यहाँ पे साइड ऑफ द पैंट्स ये आ जाएंगे, और साथ में मैंने कर दी है स्कैलपिंग। तो ये आ गया इसका ओवरऑल लुक। पीस चाहे आपका 400 का हो, 500 का हो, 10,000 का हो, पर जब तक उसकी फिनिशिंग से सिलाई नहीं ना होगी तो वो अपनी ग्रेस बना ही नहीं सकता। तो ये आपका पीस आप मैंने दिखा दिया। एक हमारे पास कुर्ताज के फैब्रिक्स आते हैं, उनकी भी वीडियो, दो तीन अब सूट्स की वीडियोस के बाद उसकी भी वीडियो मैं लेके आऊंगी एक बना के, तो उसमें हम आपको सिर्फ कुर्ताज के फैब्रिक्स दिखाएंगे और कुर्ताज की स्टिचिंग के डिजाइन भी दिखाएंगे। हमारे पास ऐसे कुर्ताज के मटेरियल आते हैं, ये आपको पहले बैक से दिखाती हूँ। ये प्लेन आर्टिकल हमारे पास ऐसे आया था, ऐसा कुछ ये आर्टिकल था, ये बटरफ्लाईज का इसमें मोटिव दिया हुआ था। इसको हमने बना दिया है कुछ ऐसा डिजाइनर, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे अपने कलरफुल जो हमारे रहते हैं ना जीरो साइज मोती वर्क, उसके साथ और सीक्वेंस के साथ एक इनकी एक बटरफ्लाई करवा दिया हाईलाइट, फिर छोटी बटरफ्लाईज हाईलाइट करवाई, फिर मैंने ऊपर जो फ्लावर्स थे उनको हाइलेशन दी है, ऊपर मैंने दे दी, ये आप लगा लीजिए, ये बॉडी आपके योक जो 15 इंच वाला रहता है, छोटा योक नहीं, 15 से हमने उठा ली सॉफ्ट नेट नियॉन कलर की, क्योंकि नियॉन्स बहुत इन है इस टाइम पे, नियॉन की देखे जहां तक उनको, देखिए हर टाइम पैडेड आप नहीं पहन सकते हो, आपने ऑफिस वियर भी बनवाने हैं कपड़े, आपने नॉर्मल वियर भी बनवाने हैं, ट्रांसी आप उतना रख सकते हो जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो इसमें मैंने क्या किया, अपने योग से सॉफ्ट नेट लेके ना नियॉन शेड की, वहां तक उनको ट्रांसपेरेंट दे दिया है नेट, जहां तक उनको कंफर्टेबल था। साथ में एक ब्रोच, ये ब्रोचेस भी हमारे पास आते हैं, ये ब्रोच लगा दिया, और साथ में मैंने यहाँ पे लगवा दी है जरकॉन्स और सिल्वर्स की। बैक इसकी बनाई है कुछ ऐसे, बैक पे भी ये देखिए, यहाँ तक आपके योग तक नेट लगा के, जहां तक आपको विजिबिलिटी की जरूरत थी वहां तक विजिबल रख दिया।
ये हमारा हो जाते हैं ऐसे हमारे बुटीक पे कुर्ताज रेडी। तो ये आ गया कुर्ता का पैटर्न। अब मैंने अपनी वीडियो में आपको बोला था मल्टी यूजेबल मल्टी कलर आइटम्स, ये थी वो मल्टी यूजेबल मल्टी कलर आइटम जिसमें से मैंने बताया था कि जब मैं अपनी स्टिचिंग की वीडियो लेके आऊंगी तो बताऊंगी कुर्ता में आप ये दुपट्टा के फैब्रिक को अच्छे से यूज भी कर सकते हो, आपके दुपट्टा की विड्थ भी कोई कम नहीं होगी। तो वो हमारा एक ऑनलाइन कस्टमर है, शी इज वेरी जेंटल लेडी, तो उनके हमारे पास से बहुत कपड़े रेडी होते हैं, तो उनका मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ। ये पहले आप कीजिए दुपट्टा की विड्थ चेक, ये आ गया आप हमारा दुपट्टा, ये आ गई उसकी विड्थ, लेंथ में कोई भी कमी नहीं है। ये आ गया हमारा दुपट्टा, ये मल्टी कलर यूजेबल आइटम में से हमने पिक किया था उन्होंने पीस। ये बनाई है हमने उनकी शर्ट, ये देखिए। मैंने आपको तब बताया था कि जो आप ये साइड से दुपट्टा का फैब्रिक लेंगे तो पॉम पॉम लेस भी उसमें यूज हो जाएगी और ये फैब्रिक भी। फैब्रिक से हमने बोट नेक में बना दी, फ्रिलिंग दे दी साथ में, ये दुपट्टा में से फैब्रिक लेके हमने फ्रिलिंग की है। ये हमने दिया है बाजू का डिजाइन, ये कुछ आपका ऐसे यहाँ पे बाजू पे आ जाएगा ये डिजाइन। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपका डिजाइन बनेगा, ये आएगा कुछ ऐसा, ये डिजाइन आएगा इस पे, ठीक है जी। जो हमारे पास दुपट्टा से ही फिर हमने निकाले ये पेटल्स के लिए फैब्रिक, ये पॉम पॉम लेस हमने ली थी साइड ऑफ द दुपट्टा। ये हो गया हमारा इसमें शर्ट रेडी। इसमें मैंने घेरा पे भी साथ में वही पॉम पॉम के साथ में पर्ल्स लगवा दिए, ये किया हमने घेरा तैयार। ये आप देखेंगे इसकी तो आएगी ओवरऑल लुक ऐसी कुछ, ठीक है जी। फिर इसके जो मैंने बनाया प्लाजो उसमें भी हमने साथ में दे दिए वही दुपट्टा वाले शेड के पोटली बटन्स और साथ में दे दी स्कैलपिंग। ये देखिए आप ये खुद ही देख सकते हैं कि ये दुपट्टा मल्टी यूजेबल है या नहीं है। इसकी आ गई है कुछ लुक ऐसी पूरे ओवरऑल सूट की, और ये प्रॉपर आपका एक डिजाइनर पीस हो गया रेडी। इस ऐसे ही जब मैं किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी बताऊंगी, अब आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि मैं डबल पाइपिंग भी दिखाऊंगी, तो वो मुझे याद है मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आर्टिकल सेम वैसे ही रेडी होते हैं, आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो, जो हम बोलेंगे तो वो हम आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसे वो चीज रेडी होती है। ये हो गया जी पीस। अब एक हमने आपको वीडियो में पीसीज दिखाए थे ये वाले खादी के, ये बड़े सुंदर खोज कला ब्रांड के पीसीज थे। ये था पीस, ये दिखाती हूँ आपको, इसमें 4-5 शेड्स थे। अब हमारे पास एक ही लेफ्ट ओवर है ये पीस, ये आएगा आपका बिटवीन द नेक, और ये था इसका लुक। इसमें हमने जो पीस रेडी किया है वो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी लुक। अब ये भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ हमने ये कैसे बनाया है। ये हमने पहले पाइपिंग निकाली है डोरी वाली मेहंदी कलर की, पिंक आप इसमें लगाओगे ना तो जब वो बेसी पीच और पिंक है तो वो पिंक उस पर खिलेगा ही नहीं, तो जो शेड उसमें आ भी रहा है और उसके खिलेगा भी वो शेड हमने उसमें यूज करना है टू गिव इट अ वेरी एलिगेंट लुक। ये देखिए, अब अगर इसमें मैं ये हॉट पिंक लगा देती तो वो कुछ खिलता ही ना, तो इसलिए हमने लगाई है मेहंदी पाइपिंग। ये सारी हमने डोरी के साथ निकाल के फिर अटैचमेंट्स दी हैं, ये देखिए, फिर उसके ऊपर लगा दी जिगजैग लेस, ना तो ये कुछ चुभेगा और साथ में फिनिशिंग आप देख ही सकते हो। फिर हमने यही डोरी लेस दी है सारी हमने जिगजैग के साथ प्रिंसेस कट में, ये देखिए इसकी ओवरऑल लुक ऐसी कुछ आएगी। ये देखिए, ये आ गया हमारा कुर्ता का लुक। अभी इसका प्लाजो पैंट्स रेडी नहीं थी, बट मुझे आज स्टिचिंग की वीडियो दिखानी जरूरी थी। प्लाजो पैंट्स पे हमने क्या किया है, ये एक लगाएंगे हम ऐसा कुछ डोरी के साथ, ये चीज दे देंगे साथ में, उसमें हमने दिया है नीचे बिल्कुल हेमलाइन पे दिए हैं पोटली बटन्स इस कलर के, जो हमारा बेसिक शेड है। ये हो गया जी एक हमारा पीस। फिर अब एक हम दिखाने जा रहे हैं आपको कुर्ता। ये हमारे पास हमारे बुटीक पे ये वाले कुर्ताज के आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। बहुत जल्दी आपको कुर्ताज के आर्टिकल्स की भी वीडियो एक लेके आऊंगी, तो वो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया। ये हमारे पास आया था जी कुर्ता का मटेरियल, उसमें हमने बैन नेक देके जितना उनको नीडेड था उतना नेक बना के ऐसे वी में लगा दी है लेस। इसको थोड़ा जचाव देना जरूरी था क्योंकि ये बेसिक सा शेड था,
तो इसमें कुछ ऐसा जरूरी था कि वो अच्छा भी लगे, ट्रेंडी भी लगे और ज्यादा हौच पौच भी ना हो। तो हमने इसकी बाजू दी है कुछ ऐसी, ये आपका नीचे वाली साइड पे आएगा कट बाजू के बेल स्लीव में, और ये दे दिया है आर्म पे। आपकी इसकी आर्म्स की लुक आएगी कुछ ऐसी, ये बनेंगी इसकी आर्म्स। ये कस्टमर के अकॉर्डिंग आर्म रखा हुआ है मैंने, मेरे ये ऐसा कुछ बनाएगी आर्म्स। तो गाइज हमारी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे बुटीक पे रेडी होते रहते हैं, बट कई बार शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से, जैसे अब अब्रॉड बहुत ज़्यादा पीसे जाते हैं, बट क्या होता है वो हम पहले ही थोड़ा सा लेट हो जाते हैं स्टिचिंग के लिए, तो वो हमें होता है कि उनके पास टाइमली पीसेस पहुँचे, और इतने में हमारी सूट्स की वीडियोस चल रही होती हैं तो हर चीज़ दिखानी बहुत मुश्किल हो जाती है। बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसे आपको साथ के साथ दिखाते जाएं कुछ कुछ अपने आर्टिकल्स। अब हमारे पास, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास एक सीक्वेंस आते हैं जो डायबल स्टफ में भी आते हैं, तो ये डायबल स्टफ से ही एक ड्रेस रेडी हुई है। ये मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज़ है। ये हमारे पास आया था कुर्ता का फैब्रिक, अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने ऑफ द शोल्डर ब्लू शेड में आपको एक पीस दिखाया था एक वीडियो में, पीकॉक ब्लू, उसी में हमारे पास ब्राउन शेड भी आया था। ये मैंने बोला भी था और ये है भी, इंस्टा पे दीपिका पादुकोण ने यही वाले फैब्रिक की साड़ी वेयर की हुई है, तो ये हमने अपने अच्छे क्लाइंट का बना के दिया था। ये देखिए, आपको ये समझाती हूँ। इसमें मैंने बहुत लॉन्ग कट्स दिए हैं साइड वाले, जो साइड स्लिट्स हैं बहुत लॉन्ग है, सेंटर कट भी दिया है साथ में लॉन्ग। यहाँ पे बैंड्स के साथ दे दी हमने हुक, बिकॉज वो पहनने में इजी हो। यहाँ पे हमने एक बना दिया की होल, ये आपका की होल है जो वो 16 या 17 इंचेस तक कवर होगा, ये की होल यहाँ से ऐसे आएगा। इसमें आपको मैंने साथ में बना के दिया है ब्लाउज स्टेप्स में, एक और उसमें भी बात बताती हूँ जिसकी लुक कुछ आने वाली है पीस की ऐसी, ये आएगी इसकी ओवरऑल लुक पीस की। ये थोड़ा सा यहाँ से डिजाइनर है, यहाँ से थोड़ी सी आपकी टमी विजिबल रहेगी, साथ में ही आपके क्यूलॉट स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो वल्गर नहीं लगता येट, वो बहुत ही प्रीटी और डिजाइनर पीस लगता है। ये आगे इसकी लुक, और साथ में हमने इसके बना के दिया है क्यूलॉट्स, ये देखिए। ये वही मैंने आपको बताया था कि जब आप सेंटर कट या लॉन्ग के लॉन्ग कट्स लेते हो तब आपको थोड़ा लूज वियर करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमने फ्रंट बेल्ट और बैक प्लास्टिक के साथ बना के दिए क्यूलॉट्स। फ्रंट बेल्ट डालनी इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपकी टम्मी विजिबल हो तो वो इलास्टिक बहुत डिसग्रेसफुल लगता है, वो अच्छा नहीं लगेगा पहना हुआ। बेल्ट आएगी तो वो प्रॉपर एक बुटीक स्टाइल पीस लगता है। इसमें हमने बना के दिया बॉक्स प्लीट्स प्लाजो, जो मैं ऑलवेज आपको वीडियोस में सुजेस्ट भी करती हूँ और दिखाती भी रहती हूँ, मैंने खुद भी बहुत बार वियर किया होता है। ये आती है इसकी ओवरऑल लुक, ये आएगी इसकी ओवरऑल लुक, ये देखिए पीस खुद ही अपनी ग्रेस दिखाती हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं उनको। ठीक है जी, इसके साथ नो नीड, नहीं नीडेड था कोई भी, ये ड्रेस है एक तरह से इंडो वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेस थी, तो इसमें नीडेड नहीं था दुपट्टा। बट रीजन बीइंग, कई बार हमें सत्संग या किसी ऐसी पार्टी पे जाना होता है जहाँ पे हमें दुपट्टा कैरी करना जरूरी होता है, तो हमने एक लाइट सा स्टॉल इसके साथ बना दिया, वो भी कुछ ऐसा बना के दिया कि वो वेस्टर्न लुक को आपकी खराब ना करे। आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो, आप ऐसे भी इसको कैरी कर सकते हो, वो मैं अपनी एक स्टाइलिंग वाली वीडियो लेके आऊंगी तब बताऊंगी। और इसमें हमने साथ में नेट के लगा दी आइडेंटिकल वन टू ब्लाउज, डाई करवा के नेट फोर साइड ऐसे, ये आ गई इसकी ओवरऑल लुक, ये देखिए। ठीक है जी, फिर आ जाएगा हमारा एक और पीस है, वो रॉ सिल्क में बना हुआ पीस है, वो दिखाती हूँ आपको। ये भी हमारे पास कुर्ताज के फैब्रिक आते हैं, ये आते हैं थोड़ा सा प्री विंटर और विंटर्स में, तब हमारे पास रॉ सिल्क के काफी पीसेज आते हैं, फ्लोरल्स में आती हैं, स्पाइरल्स में आते हैं, काफी तरह के तब रॉ सिल्क बहुत इंट्रोड्यूस होती हैं। जब प्री विंटर्स आएंगी तब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये हमारे पास फ्लोरल आर्टिकल आया था कुर्ताज के लिए, जिसको हमने बना दिया केप में कुछ ऐसा, ये देखिए ये केप बनी। सारा फ्लोरल जो हमारा पीस था वो मैंने ले लिया कलीज में, ये देखिए। साथ में जो फ्लोरल आइटम यहाँ लगी थी ऊपर, मैंने प्लेन रॉ सिल्क ले ली, उसके डाल दिए पिंटेक्स, ये भी मैंने की होल में बनाया था, बट ये छोटा की होल था क्योंकि ये बहुत वल्गर लगता अगर मैं यहाँ से ऐसे कट देती थी,
तो ये छोटा सा एक की होल बना के ना उसमें मैंने पिनटेक्स भर दिया, ये देखिए। और ये आप फिनिशिंग तो देख ही सकते हैं, कहीं से भी ये पीस नहीं हिलते हैं। बैग पे लगा दी हमने जिपर, ये बैग जिपर दे दी इसमें, और साथ में बैंड के हमने बनाया है की होल के साथ पिनटेक्स डाल के ये नेकलाइन। इसमें फिनिशिंग के लिए हमने दे दी यहाँ पे पट्टी, वो भी आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ पे पाइपिंग निकालते ना तो ये जो हमारा रॉ सिल्क रहती है ना, ये कई बार धागे निकलने इसमें से स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप पाइपिंग निकालते हो रॉ सिल्क में, थोड़ा सा वो कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पाइपिंग हमने यहाँ पे दे दी एक बारीक पट्टी, साथ में लगाई है नीचे लेस आइडेंटिकल वन। इसके साथ ज्यादा हमने कट ज्यादा नहीं रखा था, कट बहुत नॉर्मल सा कट दिया है। तो साथ में हमने बना दी पैंट्स, वही रॉ सिल्क की पैंट्स बनाई हैं ऑरेंज कलर की, जिसका हमने लिया था योक, कि वो खराब ना लगे कि योक में कोई और कपड़ा लगा हुआ है, कुर्ता में कोई और फैब्रिक है, पैंट्स किसी और ही कलर की बना दी। तो जब पैंट्स हमने बाय किया था पैंट्स का फैब्रिक, तब हमने साथ ही योक का फैब्रिक भी इसमें बाय कर लिया था। ये देखिए, ये हमारी बनी है फुल बेल्ट वाली पैंट्स। फिर एक अभी रिसेंट वीडियो में मैंने एक केप वियर की थी, तब मैंने आपको बोला था कि जब मैं अपनी वीडियो लेके आऊंगी तब आपको वो दिखाऊंगी, तो वो अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास प्लेन जॉर्जेट के होते हैं पीसेस, ये प्लेन जॉर्जेट ली है ब्लैक शेड में मैंने। इसमें मैंने बना दी बॉक्स प्लीट्स में, टेल वाली बनाई है इसमें कुर्ता। ये देखिए, फ्रंट शॉर्ट है और बैक लॉन्ग है, ऐसा कुछ दिया है इसको लुक। साथ में मैंने बना दी बेल स्लीव्स, ये थोड़ी सी मैंने ऐसे काट ली है क्योंकि फिर वो नीचे से ज्यादा फ्लोई लगती हैं और ऊपर से बड़ी स्मार्टली ये लगती हैं पहनी हुई, ऐसा कुछ आएगा इसका लुक। इस पे एक्सेसराइज करने के लिए कोई भी नीड नहीं थी, तो मैंने इसको कुछ एक्सेसराइज नहीं किया, बिकॉज इसमें जो देखने वाली बात है वो है इसके बॉक्स प्लीट्स में जो प्लीट्स डले हैं, और जो इसकी ग्रेस और लुक है वो इटसेल्फ ही इसको अच्छे से बयान करती है। तो ये हमारी हो गई केप रेडी, और ये रेडी हुई है जी 4 मीटर्स में, ये ऐसा कुछ आएगा इसका लुक। फिर एक और केप थी मेरी, वो मैंने अभी डाली थी रिसेंट वीडियो में, वो थी मेरी वेलवेट ब्राशों में पहनी हुई। ये भी प्री विंटर आर्टिकल है, जॉर्जेट बेस था, इसलिए आप नॉर्मल समर्स में भी पहन सकते हो। वो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए वो आर्टिकल, ये भी मैंने बनाया है कलीदार, ये इधर से, ये देखिए, ये आएगी इसकी लुक। इसमें लॉन्ग स्लिट था, बट इसको आप डेनिम्स के साथ वेयर कर सकते हो, क्योंकि जब डेनिम्स आप पहनते हो ना तब आपका जो बॉडी शेप है वो गंदी नहीं लगती। अगर आप नॉर्मल स्टिचिंग वाले पैंट्स पहनोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, इन वाले जो स्लिट्स वाले पीसेस होते हैं।